हेलो स्टूडेंट्स, आज हम भूगोल में हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स हैं उनमें भी इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हिमालय जो है हमारे इंडिया का ही एक पार्ट है और उसके बारे में ही हमने ब्रीफली उसके बारे में स्टडी करना है। वो कहाँ से फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, किस किसने उसके ऊपर काम किया है और किन किन आधारों पर उसको विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले हम जब हिमालयन की बात करते हैं तो आपके माइंड में आता है कि हिमालयन जो है हमारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, वहां तक फैला हुआ है, यानी कि जम्मू कश्मीर से और आपके जो है असम तक, ये अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ था, कौन कौन से देशों के साथ ये सीमाएं बनाता है, तो वो सब हमें इसके बारे में अध्ययन करना है। हिमालय जो है हमारे लिए, चाहे वो सैन्य व्यवस्था हो या फिर हमारी ओरोग्राफी यानी पर्वतीय वर्षा हो, चाहे वो जेट स्ट्रीम से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो मानसून से रिलेटेड हो, यानी कि हमारी जो बारिश है, बरसात है, उसके ऊपर हमारे हिमालय का बहुत ही अहम रोल रहता है। अब जब हिमालय के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें ये देखना है कि वो शुरू कहाँ से हुआ है। तो हिमालय का जो ओरिजिन है वो पामीर नोट के एक श्रृंखला के रूप में वहां से उसका ओरिजिन माना जाता है। वो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बर्मा भी आप इसे बोल सकते हैं। तो वहां तक ये जो हमारा पोर्शन रहेगा, यहाँ से शुरू करके अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तिब्बत, फिर म्यांमार, भूटान और जो हमारा म्यांमार है वहां तक ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हिमालय है वो बना कैसे है। तो हिमालय जो है हमारा वो सीनोजोइक जो युग था उसके दौरान इसका निर्माण हुआ था। जो सीनोजोइक है हमारा वो हमारा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसका एक पार्ट रहता है, तो उसके बारे में हम वहां पे ब्रीफली करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए जब हमें सिर्फ हिमालय ही करना है तो हमें ये देखना है कि हमारा जो हिमालय है उसका निर्माण सीनोजोइक युग में हुआ है। फिर ये जो हिमालय है वो कौन सी प्लेटों से बना है हमें उसके बारे में देखना है। तो हिमालय जो हमारा माउंटेन है या पहाड़ पर्वत है हमारा, तो वो दो प्लेटों के मिलने से बना है। जैसा कि हमने टेक्टोनिक महाद्वीपीय जो विस्थापन है या प्लेट विवर्तनी की हमारा जो अध्याय था उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से किया था कि कौन से माउंटेन कन्वर्जेंट प्रोसेस से बने हैं और कौन से जो हैं डाइवर्जेंट प्रोसेस से बने हैं। तो उसमें हमने देखा था कि हिमालय जो है हमारा फोल्ड माउंटेन यानी कि दो प्लेटों के पास आने से बना है और इसका जो विस्तार है वो हमारा दो प्लेटों के बीच में पाया जाता है, और वो जो हमारी प्लेटें रहती हैं जो पास आती हैं उन्हें हम कन्वर्जेंट प्लेट कहते हैं। अब यहाँ पे जब पेंजिया और पेंथालसा आपके माइंड में आया होगा महाद्वीपों का विस्थापन का नाम लेते ही, जिसके ऊपर वैगनर महोदय ने काम किया था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि वो सभी जुड़े हुए थे, महाद्वीप जो है हमारे वो सभी जुड़े हुए थे उसे पेंजिया, और बाहर जो वाटर बॉडी थी उसे उन्होंने पेंथालसा बोला था। अब पेंथालसा और जो पेंजिया है, पेंजिया के बीच में उन्होंने एक टेथिड सी के बारे में भी जिक्र किया था। जो टेथिड सी है हमारा वो यहाँ इस वाले पोर्शन में वहां पाया जाता था जो भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ था। अब जब यहाँ पे नदियां हैं हमारी जो सिंधु नदी है यानी कि पूर्ववर्ती जो नदियां हैं हमारी, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र है और गंगा नदी है हमारी, सतलुज नदी है, तो उनके डिपॉजिट से वो जो हमारा टेथिड सी था उसके अंदर सेडिमेंट को लगातार डिपॉजिट किया गया, उसके अंदर परत के ऊपर परत बनती रही। और उस दिन एक दिन क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा फिल हो गया, और वो पूरा जब भर गया, एक एग्रेडेशन का जब लेवल हो गया, समतलीकरण का जब प्रभाव वहां पे हुआ, तो उसके बाद ये पूरा भर जाने के बाद दो प्लेटें जो आपस में एक दूसरे के पास आ रही थी उसके मिलने से यहाँ पे हमारे फोल्ड माउंटेन या नवीन वलित पर्वत हमारा हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो वो दो प्लेटें आई थी आपस में वो क्या रहेंगी, नॉर्थ की डायरेक्शन से जो प्लेट आई है उसे अंगारा अंगारा लैंड, और नीचे से जो हमारी प्लेट गई है उसे हम गोंडवाना गोंडवाना लैंड बोलते हैं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जब दो प्लेटें आपस में टकराई थी तब इन दोनों के बीच में जो टेथिड सी आया था जिसमें मलबा भरा हुआ था, ये जब इसको कंप्रेस किया गया तो यहाँ से एक उभार उत्पन्न हुआ ऊपर की तरफ, जो हमारी श्रृंखलाएं बनी हैं जिसे आज हम हिमालय के नाम से जानते हैं, तो उसका यहाँ से निर्माण हुआ है। अब हिमालय जो है, हिमालय दो प्लेटों के मिलने से बना है, तो ये जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है ये पहले भी चल रही थी।
अब भी चल रही है और आगे भी चलेगी, यानी कि पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी ये ऐसे ही जो है सक्रिय रहेगी। तो इसी कारण से हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो आज भी 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक जो प्रति वर्ष है ये बढ़ रहा है। तो इसके बारे में हमें ब्रीफली करना है। अब हमारा जो हिमालयन माउंटेन है वो आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो हम देखेंगे कि हिमालय किन किन हमारे स्टेट्स में फैला हुआ है, उसके बाद कौन से देश के साथ ही हमारी बाउंड्री बनाता है, ये हमारे पूर्व में किस तरह से है और पश्चिम में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का जो पोर्शन है हमारा दक्षिणी पश्चिमी सॉरी उत्तरी पश्चिमी, तो वहां पे किस तरह से फैला हुआ है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा यहाँ से काफी चौड़ा है और आगे जब हम जाते हैं तो ये काफी नैरो हो रहा है, यानी कि यहाँ से फैला हुआ है और आगे की तरफ ये संकीर्ण होता जा रहा है। तो हिमालयन का जो पश्चिम का जो एरिया है, हिमालयन का पश्चिम क्योंकि ये हमारा ईस्ट डायरेक्शन है तो ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन है, तो ये हिमालय का जो पश्चिम का भाग है जो हमारे जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश की साइड आएगा वो काफी चौड़ा है कंपैरिजन में अरुणाचल और असम के। तो यहाँ से हिमालयन हमारा चौड़ा है और आगे की तरफ जब ये बढ़ेगा तो ये यहाँ पे संकीर्ण या नैरो होता जाएगा। अब आप देखते हैं कि हिमालयन जो माउंटेन है उसकी वजह से हमारी जो बारिश है बरसात है उसके ऊपर काफी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो इस वाले रीजन में काफी ज्यादा बारिश पाई जाती है और यहाँ पे कम बारिश पाई जाती है। अब ऐसा क्यों है? अब आपके माइंड में आया होगा कि जब मानसूनी हवाएं आती हैं वो अपने साथ वाटर वेपर लेके आती हैं और जब बंगाल की खाड़ी से वो ऊपर से क्रॉस करके जाती हैं तो वो जो हवाएं हैं यहाँ हमारी जो बहुत सारी पहाड़ियां हैं गारो खासी जयंतिया कुकी उसके बाद मिसमी डफला, तो ये बहुत सारी हमारी माउंटेन्स हैं यहाँ पे पहाड़ियां हैं जो मेघालय असम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर और त्रिपुरा त्रिपुरा जो है हमारा वहां पे फैली हुई है। तो जो हवा यहाँ से उठ के बंगाल की खाड़ी से वाटर वेपर लेके आई थी वो यहाँ पहुंचने के बाद बहुत सारी पहाड़ियों के बीच वो फंस जाती है, उसकी वजह से जब वो कंप्रेस होगी तो यहीं पे वो अपनी मैक्सिमम बारिश करेगी और जैसे जैसे वो पीछे की तरफ बढ़ेगी। अब ये पीछे क्यों बढ़ा? क्योंकि हमारा जो हिमालय है वो एक कर्व के टाइप में है, जब यहाँ से हवा गई तो वो यहाँ हिमालयन की जो रेंज है उससे टकराई, टकराने के बाद यहाँ जितना बरसना था वो बरस के और वेस्ट की तरफ अपनी मूवमेंट करती है। तो जैसे जैसे ये वेस्ट की तरफ जाती जाएगी इसकी जो है बारिश की जो रेट है वो भी कम होती रहेगी। अब हमारा जो वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो हमारा जो इंडिया है उसमें मोसिनरम नाम की जगह है जो अत्यधिक बारिश प्राप्त करता है। तो वो मोसिनरम जो हमारा चेरापूंजी या चेरापूंजी भी आप उसे बोल सकते हैं या फिर मोसिनरम बोल सकते हैं जो हमारा मेघालय में है, ये 1141 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश प्राप्त करता है जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश है। अब जैसे जैसे वो पश्चिम की तरफ वो हवाएं जाती हैं तो उनके वाटर वेपर यहाँ पे काफी खाली हो चुके हैं वो वाटर वेपर से। अब जैसे जैसे वो पीछे की तरफ जाएगी तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे 500 सेंटीमीटर तक, फिर यहाँ 400 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते जो है लेह लद्दाख जो हमारा रहेगा, क्योंकि हमें अभी फोकस करना है हमारे हिमालयन माउंटेन पर। तो हिमालय का जो ईस्ट का पोर्शन है वो अत्यधिक बारिश प्राप्त करता है कंपैरिजन में हिमालय के पश्चिम के पार्ट के। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो हमारा पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय यानी कि यहाँ मेघालय असम, तो यहाँ पे हमारे स्नो लाइन हिमाच्छादित जो चादरें हैं या फिर बर्फ पड़ने की जो प्रक्रिया है वो कम हाइट पे पाई जाती है कंपैरिजन में वेस्ट हिमालय के। अब ऐसा क्यों है? यहाँ पे स्लो लाइन जो है नीचे मतलब कम अक्षांश पे पाई जाती है और पश्चिम का जो हिमालय है वहां पे उच्च अक्षांशों पे वो पाई जाती है या ज्यादा हाइट पे वो पाई जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे अत्यधिक बारिश होती है और बारिश जितनी ज्यादा होगी वाटर वेपर उतनी ज्यादा होंगे, उसके बाद तापमान उतना ही कम होगा और तापमान कम होगा तो कॉमन सी बात है कि वहां पे बारिश होगी। तो आइए अब हमें ये देखना है कि हिमालयन जो है उसमें कौन कौन सी रेंज है। अब हम जब हिमालय के बारे में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसे हिमालय ही बोल देते हैं, लेकिन हिमालय की कुछ एक रेंज है जिसके अकॉर्डिंग उसको बांटा गया है।
उसको वर्टिकली भी पढ़ना है हमें और हॉरिजेंटली भी उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो हिमालय की जो रेंज रहेंगी हमारी वो है 2 कुछ रेंज रहेंगी जो हमारे वेस्ट हिमालय में काफी चौड़ी हैं और आगे जब ये बढ़ेंगी तो नहरे हो जाएंगी। और ये इसका जो पोर्शन है हमारे नेपाल तक पहुंचते पर पहुंचते काफी नैरो हो जाता है, ये आपस में बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्टेड या कंप्रेस होके एक ही रह जाती है। और इस टाइप से ये हमारा जो हिमालय है वो आगे की तरफ दोबारा से कर्व लेके और नीचे की तरफ यानी कि म्यांमार का जो भाग है हमारा वहां से भी हमें पार्टीशन इससे देता है। तो ये जो हमारी सीक्वेंस रहेगी ये है हमारी कराकोरम, कराकोरम रेंज हम इसे बोलेंगे। उसके बाद है लद्दाख, फिर है जास्कर और फिर है यहाँ जी लिखा है मैंने तो ये रहेगा हमारा ग्रेट हिमालय। फिर पी लिखा है तो उसका रहेगा पीर पंजाल। डी से हमारा रहेगा धौलाधार और ये हमारी लास्ट की जो है इससे हमारा रहेगा शिवालिक यानी कि मैदानी भाग से जब हम माउंटेन की तरफ अपना रुख करते हैं या ऊपर की तरफ हम जाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा शिवालिक रहेगा, उसके बाद धौलाधार, फिर पीर पंजाल, फिर है हमारा ग्रेट हिमालय, उसके बाद हमारा जास्कर है, फिर लद्दाख और फिर कराकोरम। ये कुछ श्रेणियां हैं जिसके आधार पर हमारे हिमालय को बांटा गया है। अब यहां से आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए क्योंकि इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा भी गया है कि आप इनको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ इनको आपको सेट करने करना होता है। तो यहाँ से आप इसको इजीली कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारा था कराकोरम, फिर है हमारा लद्दाख, फिर जास्कर, फिर हमारा ग्रेट हिमालय है, उसके बाद हमारा पीर पंजाल, फिर धौलाधार और उसके बाद हमारा शिवालिक है। ये हमारा नॉर्थ का है और ये हमारे बिल्कुल साउथ में रहता है। तो साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ आप इसको इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। और जो ये हमारी बाउंड्री जो हमारी श्रेणियां हैं ये जम्मू कश्मीर हिमाचल वाला जो पोर्शन है वहां से शुरू होके और अरुणाचल और असम तक जब जाएंगे तो वहां पे ये बिल्कुल ही नैरो हो जाएंगी। ऐसे करके आप इसे देख भी सकते हैं कि ये यहाँ से जो है काफी चौड़ा था और आगे की तरफ जब ये गया तो बहुत ज्यादा संकीर्ण ये हो गया है। अब ये जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है तो ये जो इसकी हमारी बाउंड्री बनेगी म्यांमार या बर्मा के साथ, तो ये जो रेंज रहती है इसकी इसे अराकान योमा भी बोला जाता है, अराकान योमा, अराकान योमा भी बोला जाता है जिसकी ऊंची चोटी सेंट विक्टोरिया है। तो ये हमारी बाद की बात है, हमें सिर्फ फोकस करना है आज का जो हमारा टॉपिक है हिमालय, हिमालय के ऊपर। अब हिमालय को ये जो हमारी श्रेणियां थी इसके आधार पर बांट दिया, कॉलेज ग्रेट है, पढ़ाई सही है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। कॉलेज, कॉलेज के लिए के लेज एल, कॉलेज ग्रेट है, पढ़ाई सही है, तो यहाँ से आप इसको इजीली सीक्वेंस भी इसकी याद कर सकते हैं। अब जो हमारा वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये देखना है कि हमारा जो महान हिमालय है वो कितनी ऊंचाई रखता है, कौन कौन सी उसको मतलब कौन सी श्रेणियां उनको अलग करती हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो वर्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर सबसे पहले काम सर सिडनी ब्रूराड ने किया था, सर सिडनी बुरार्ड, सर सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किया था
उसके अंदर उन्होंने बताया था कि किस रेंज को, कौन सी श्रेणी को, कौन सी लाइन अलग करते हैं, यानी कि हिमालय को कुछ भागों में उन्होंने बांटा था। तो हमें उसके बारे में पढ़ना है कि सर सिडनी बुरार्ड ने कौन कौन सी मेन लाइन बताई थी और कौन कौन से उस हिमालय के पार्ट किए थे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम पहले ये हमारा शिवालिक है, मिडल हिमालय, ग्रेट हिमालय और ये हमारा ट्रांस हिमालय। तो ये हमारा ट्रांस, ये है हमारा ग्रेट हिमालय, मिडन हिमालय और ये है हमारा शिवालिक। शिवालिक बिल्कुल नीचे रहेगा क्योंकि जब हमने ये रेंज की थी इसकी तो उसमें भी शिवालिक नीचे ही था, तो ये हमारा शिवालिक रहेगा। और इससे आगे जो है हमारा नॉर्थ का जो प्लेन एरिया है यानी उत्तर भारत का जो मैदानी भाग है वो आ जाएगा, और उसमें जो है हमारे भाबर, तराई, खादर, बंगर, ये सभी जो है हमारे फीचर्स जो है पाए जाते हैं। अब फुट हिल्स, शिवालिक के फुट हिल्स में हमारी बिल्कुल भाबर पाया जाता है, भाबर। उसके बाद बिल्कुल महीन रेत के कण या फिर बहुत ज्यादा पानी और अपवेलिंग प्रोसेस जो है वाटर की यहाँ पे पाई जाती है, तो इसे तराई के नाम से जानते हैं। और फिर हमारा बांगर और लास्ट का जो है जहाँ पे नदी अपना अवसाद डालती है या जहाँ पे फ्लड प्लेन हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड के आसपास हमें देखने को मिलते हैं, तो वहां वाला जो पोर्शन रहेगा हमारा वो है खादर। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हिमालय यानी फुट हिल्स के बाद का है। तो इसे हम ब्रीफली जब करेंगे तभी इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे, लेकिन हम अभी के लिए हमें सिर्फ ये समझना है कि प्लेन एरिया को शिवालिक से कौन अलग करेगा, क्योंकि शिवालिक के नीचे है हमारा मैदानी भाग, तो इसे हम मैदान बोल सकते हैं, मैदानी भाग, या प्लेन एरिया भी से बोल सकते हैं। तो नीचे से जब शुरू करेंगे हम, मैदानी भाग है, उसके ऊपर है हमारा शिवालिक, शिवालिक से ऊपर है हमारा मिडल हिमालय, फिर है हमारा ग्रेट हिमालय और फिर ट्रांस हिमालय। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात यहाँ पे आएगी, मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि दो प्लेटों के मिलने से बना है, नीचे से जो प्लेट गई थी वो थी गोंडवाना और ऊपर से जो आई थी वो थी हमारी अंगारा प्लेट। तो उन दोनों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। तो जो ट्रांस हिमालय है हमारा वो अंगारा प्लेट का पार्ट बोला जाता है, और ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, हिमालय और शिवालिक जो हिमालय है हमारा वो हमारे गोंडवाना का पार्ट उसे माना जाता है। यानी कि ट्रांस हिमालय जो है अंगारा प्लेट का रहेगा और नीचे के जो हमारी श्रेणी है या रेंज है वो हमारे जो है गोंडवाना लैंड या गोंडवाना जो प्लेट है हमारी उसका हिस्सा रहेगी। अब सर सिडनी ब्रूनार्ड ने ग्रेट हिमालय को मध्य हिमालय यानी मिडल हिमालय से अलग बताया है, मिडल हिमालय को शिवालिक से अलग बताया है, और शिवालिक का जो रीजन है उसको मैदानी भागों से अलग बताया है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ नाम बताए थे, पर्टिकुलर नाम हमें उनके याद रखने पड़ेंगे। तो वो नाम क्या रहेंगे, HFF, MBT, MCT। अब जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को जो लाइन अलग करेगी वो है हमारी ISZ, जो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को अलग करेगी वो है हमारी MCT, जो मिडल हिमालय और शिवालिक को अलग करेगी वो है MBT, और शिवालिक और मैदानी या प्लेन जो हमारा समतल भूमि है, मैदान है, उसको अलग करेगी वो है HFF लाइन। तो ये सर सिडनी ब्रूनार्ड ने बताया था। अब HFF हम किसे बोलेंगे, HFF की फुल फॉर्म रहेगी हिमालयन फ्रंट फोल्ट। अब ऐसे ही MBT की है मेन बाउंड्री थ्रस्ट। नेक्स्ट है हमारा MCT, तो इसका रहेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लास्ट है हमारा जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को बांट रही है यहाँ ISZ, इसे बोल लेंगे इंडियन सचर जोन। तो आपको यहां से इसको याद कर लेना है कि पहले तो वर्टिकली जो इसके पोर्शन किए गए हैं या इसको कितने भागों में बांटा गया है वो हमारे चार रहेंगे। जो टॉप का जो है हमारा ट्रांस वो अंगारा प्लेट का भाग है, और बाकी के जो है हमारे गोंडवाना प्लेट के भाग हैं।
इनको जो लाइनें बांट रही हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। हिमालयन फ्रंट फॉल्ट मैदानी और शिवालिक को अलग करती है। मेन बाउंड्री थ्रस्ट ये हमारे मिडल हिमालय और शिवालिक को अलग करेगी। मेन सेंट्रल थ्रस्ट ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय को अलग करेगी। और इंडियन सचर जोन जो है ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को अलग करती है। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। या फिर अगर आप ब्रीफली क्वेश्चन करते हैं यूजी पीजी में तो हिमालय के ऊपर जो है उसका मेन क्वेश्चन एक आपको करना होता है, तो वहां पे भी आप इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा सकते हैं, जिसमें आप जो पहले हमने की थी रेंज वो कर सकते हैं। उसके बाद इसका HFFMBT MCT जो हमने किया था, सर सिडनी बुरार ने बताया है, ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय, मिडल हिमालय, तो उसमें भी बांट सकते हैं आप। अब जो नेक्स्ट हमारा रहेगा, जो नदियों के आधार पर बांटा गया है, ये तो इन्होंने आर्टिफिशियल लाइन बताई थी HFFMBT MCT, यानी कि मैन मेड थी, खुद ने ही नाम दिए थे। अब कुछ नदियों के आधार पर बांटा गया है, जैसे कि कुछ नदियां हमारी पूर्ववर्ती हैं, जैसे सिंधु है, उसके बाद गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। तो ये जो हमारी नदियां हैं ये पहले भी मतलब यहीं से बहती थी और आज भी यहीं बहती हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो रिवर है हमारी वो शिवालिक का जो पोर्शन है उसमें उत्थान यानी कि ऊपर की तरफ जब वो भाग उठ गया है, तो इस वजह से उसका रास्ता इधर न रह के हमारे असम की तरफ या हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसकी डायरेक्शन हो गई है। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो हम जो हमारा रिवर ड्रेनेज सिस्टम होगा उसमें हम ब्रीफली करेंगे। अभी हमें सिर्फ फोकस करना है कि हिमालय को कौन सी नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि हिमालय को कौन कौन सी नदियों के आधार पर बांटा गया है। तो पहली जो हमारी नदी है वो रहेगी सिंधु, सिंधु है। उसके बाद हमारा जो दूसरी है हमारी सतलुज, फिर है हमारी काली नदी, और ये हमारी तीस्ता रहेगी, और लास्ट की जो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर रहेगी। तो ये कुछ नदियां हैं जिनके आधार पर हिमालय को हॉरिजेंटली बांटा गया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि सिंधु नदी का जो उद्गम है या सतलुज नदी, काली नदी, इनका जो उद्गम है वो मानसरोवर लेक या तिब्बत के पठार में, यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं, तो यहाँ से इसका ओरिजिन है। अब तिस्ता नदी जो है पहले हमारी गंगा की सहायक हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे उत्थान के बाद इसने अपना रास्ता बदल दिया और अब ये जो है प्रेजेंट में ब्रह्मपुत्र की सहायक है, तो इस वजह से ये यहाँ पे गिरेगी। तो इसके आधार पर हिमालय को बांटा गया है। अब सिंधु हिमालय से सतलुज हिमालय, सिंधु जो नदी है हमारी उससे सतलुज नदी के बीच में हमारा हिमालय का एक पार्ट रहेगा, फिर सतलुज से काली के बीच में हमारा दूसरा रहेगा, काली और तिस्ता के बीच में हमारा थर्ड पार्ट रहेगा हिमालय का, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में हमारा फोर्थ पार्ट रहेगा। अब इसको ये जो हमारे हिमालय हैं इनको पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है, इनकी ऊंची चोटी कौन सी है यानी हाईएस्ट पीक पॉइंट कौन सा इनका, और इनको क्या नाम दिया गया है, इनकी चौड़ाई कितनी है, उसके बारे में हमें देखना है। तो हमारे जो सिंधु नदी जो है हमारी, सिंधु से सतलुज तक का जो हमारा एरिया रहेगा वो है 500 किलोमीटर, यानी कि ये 500 किलोमीटर तक चौड़ा है। उसके बाद सतलुज से काली जो नदी है हमारी उसके बीच में ये 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर ये हमारा काली से तिस्ता के बीच में जो है हमारा 800 किलोमीटर तक है, और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक जो है हमारा वो 720 किलोमीटर रहेगा। तो यहाँ से आप हमारी जो है कि ये हिमालय जो है हमारा फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो 500 किलोमीटर चौड़ा है और 500 किलोमीटर को कवर करता है। सेकंड जो हमारा 320 को कवर करेगा। थर्ड जो पोर्शन है हमारा काली से तीस्ता के बीच में वो हमारा 800 किलोमीटर को कवर करेगा, और लास्ट का जो फोर्थ जो हमारा पार्ट है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो पोर्शन है वो 720 किलोमीटर को कवर करेगा। अब जो फर्स्ट जो ये रहेगा हमारा सिंधु से सतलुज के बीच, इसे पंजाब हिमालय या जम्मू हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। सेकंड जो हमारा रहेगा उसे हम
कुमायू हिमालय के नाम से जानते हैं। थर्ड जो रहेगा, अब यहां से आप देख सकते हैं कि काली जो नदी है हमारी, वो हमारे उत्तराखंड और ये जो नेपाल है इसकी बाउंड्री के ऊपर से क्रॉस करके आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा नेपाल वाला पोर्शन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इसे हमें नेपाल हिमालय भी बोल सकते हैं, और या नेपाल हिमालय बोल सकते हैं, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है महाभारत लेख, महाभारत लेख भी इसे बोलते हैं। नेपाल हिमालय भी आप बोल सकते हैं और महाभारत लेख भी आप इसे कह सकते हैं। अब जो लास्ट का है हमारा, हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, वहां पे हम इसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब यहां से जो आपका क्वेश्चन रहेगा कि पंजाब हिमालय की चौड़ाई कितनी है या कितने क्षेत्रफल में वो फैला हुआ है, तो वो 500 किलोमीटर है। फिर कुमायू हिमालय हमारा 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय या महाभारत लेक जो है हमारा वो 800 किलोमीटर, और असम हिमालय जो है हमारा 720 किलोमीटर पर फैला हुआ है। अब यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन और अराइज होता है, जो नदियों के बाद देख लिया हमने इसकी चौड़ाई कितनी है, उसके बाद ये भी देख लिया कि इसका नाम क्या है। अब पंजाब हिमालय जो रहेगा, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा, उसकी ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, मतलब इनके जो हाइट वाले जो पॉइंट है वो हमें देखने हैं। तो फर्स्ट जो रहेगा हमारा, उसकी ऊंची चोटी K2 है, जिसे हम कराकोरम भी बोल सकते हैं। तो इसकी ऊंची चोटी जो है, उसकी जो हाइट है K2, ऊंची चोटी रहेगी इसकी, और इसकी जो हाइट है वो है 8611। अब जो नेक्स्ट है हमारा कुमायू हिमालय, कुमायू हिमालय की ऊंची चोटी है धौलाधार, जिसकी हाइट है 8164। नेक्स्ट जो हमारा नेपाल हिमालय है, क्योंकि ये नेपाल है तो नेपाल में हमारी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है, तो इसकी ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट रहेगी। माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट जो है 8848, या ज्योग्राफिकल जो हमारी सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग 8850 मीटर भी आप इसे बोल सकते हैं। ये सभी मीटर्स में रहेंगी, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो हमारा असम हिमालय है, उसकी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, कंचनजंगा इसकी हाइट है 8598 मीटर। तो यहाँ से आपकी जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुए कि पंजाब हिमालय की ऊंची चोटी है K2, जो 8611 मीटर है हाइट। उसके बाद कुमायूं हिमालय की ऊंची चोटी है धौलाधार, जिसकी हाइट है 8164। उसके बाद नेपाल हिमालय है हमारा जो 800 किलोमीटर चौड़ा है, उसकी ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट रहेगी, जिसकी हाइट है 8848 या 8850 आप इसे बोल सकते हैं। और लास्ट जो हमारा असम हिमालय है, उसकी ऊंची चोटी है कंचनजंगा, और 8598 इसकी हाइट रहेगी। अब यहाँ से जब हमने इसको देख लिया, अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप सोच लेना कि हिमालय जो है हमारे चाइना, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार और जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे फैला हुआ है, तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? भारत जो हमारा इंडिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक साइड से चीन के साथ इसकी जो बाउंड्री मिक्स होती है, तो दूसरी साइड जो है पाकिस्तान के साथ ही अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। तो चीन के अंडर में कौन सी है, सॉरी नेपाल के अंडर में कौन सी रहेगी, उसके बाद भारत के अंडर में कौन सी है जिसे हम अपनी ऊंची चोटी बोल सकते हैं पूरी तरह से, और जो हमारा इंडिया के अंदर जो हमारा हिमालय बटा हुआ है तो उसकी ऊंची चोटी कौन सी रहेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा हिमालय है, हिमालय की ऊंची चोटी रहेगी हमारी माउंट एवरेस्ट। हिमालय की ऊंची चोटी अगर पूछी जाए तो वो हमारी माउंट एवरेस्ट रहेगी। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में जो है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे कि ये यहाँ पे नेपाल में होगा, तो ये हमारा हिस्सा है ही नहीं, इंडिया से बाहर का है, तो हम इसे इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सिर्फ हिमालय का अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट हिमालय की ऊंची चोटी है जो नेपाल में है। अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, भारत में इसकी ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, यानी इंडिया में इसकी ऊंची चोटी कौन सी रहेगी, वो रहेगी हमारी K2, कराकोरम या K2 इसकी ऊंची चोटी रहेगी। अब थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा,
भारत के अंडर में कौन सी है, क्योंकि K2 हमारी इस एरिया में आती है, तो यहाँ पे जो एरिया है हमारा वो पाक ऑक्यूपाइड एरिया है, यानी कि पाकिस्तान के अधिकृत है वो क्षेत्र, उसके ऊपर हमारे भारत का कोई अधिकार नहीं है या हम वहां पे कोई इंटरेक्शन नहीं कर सकते, तो पाक ऑक्यूपाइड एरिया लेकिन है भारत के अंदर ही, तो वो रहेगी हमारी K2, लेकिन इसे हम पूरी तरह से इंडिया का हिस्सा नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है। उसके बाद जो इंडिया के अंदर आती है जिसे हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी भारत की ऊंची चोटी है और हमारे ही प्रॉपर अंडर में आती है, तो वो रहेगी हमारी इंडियन हाईएस्ट पीक, ये हमारी रहेगी कंचनजंगा जो हमारी 8,598 मीटर ऊंची है। तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कि हिमालय, अगर पूछा जाए पूरे हिमालय की ऊंची चोटी कौन सी है तो आप बताएंगे माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद अगर इंडिया के अंदर हिमालय का कौन सा पोर्शन ऊंचा है तो आप बताएंगे K2। उसके बाद भारत के जो अंडर में आती है वो अगर पूछी जाए तो आप बताएंगे कंचनजंगा। ठीक है, आपके यहां से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब हमारा जो इंडिया सॉरी भारत है या हिमालय जो है हमारे भारत का ही पोर्शन है, तो जो हिमालय हम देख रहे हैं आज के दिन वो कितना है, कहाँ तक फैला हुआ है, अगर हम जब भारत का निर्माण हुआ था क्योंकि टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से ये टूट के नॉर्थ ईस्ट की तरफ अपने जो है गति अग्रसर किए हुए है, लगातार उस तरफ ये बढ़ता जा रहा है, तो कभी माना जाता है कि ये अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था। तो उस टाइम पे जब इसने टूटना शुरू किया था, तो मतलब बहुत काफी सालों पहले की बात है, तब माना जाता है कि हमारे जो यहाँ पे राजस्थान में जो हमारी अरावली रेंज पाई जाती है वो हमारे लक्षद्वीप तक थी, लक्षद्वीप तक थी जो आज हम केवल राजस्थान में ही देखते हैं, यहाँ का जो है वो पूरा रिलिक्ट है या टूट फूट करके अवसाद बन के वो यहाँ से इरोजन करके चला गया है। तो ऐसा माना जाता है कि कभी अरावली का पार्ट ही लक्षद्वीप तक फैला हुआ था, और इधर से आपने ये देखा कि हमारा जो हिमालय है वो हमने इस टाइप से करके और इधर की तरफ किया था, और ये बाउंड्री मैंने बताई थी अराकान योमा। तो अराकान योमा से ऐसे होते हुए ये जो है हमारे अंडेमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वहां तक ये फैला हुआ था, लेकिन अभी जो है इरोजन फैक्टर की वजह से ये यहाँ से भी कट फट चुका है। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कि आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं, यहाँ से जो क्वेश्चन हमारे अराइज हो सकते थे उसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से बात की है। उसके बाद अगर आपसे यहाँ पे अपने UGPG के लिए भी आप करना चाहते हैं तो डायग्राम के साथ आप इसे कर सकते हैं, उसके बाद जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वहां से आपका बहुत ही अच्छा जो हिमालयन का जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, अगले जो टॉपिक रहेगा हमारा वो इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ होगा जो हमारे इंडिया के ही इंडियन ज्योग्राफी पे ही आधारित होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।